हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आईआईटी जेएम 2020 का मैथमेटिक्स का पेपर पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 56 पर अब पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 56 से हमारे पास लेट एफ आर टू आर एन को रियल नंबर से रियल नंबर में फंक्शन डिफाइन है, बी ए डिफरेंशियबल फंक्शन विद एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स। यानी हमारे पास दिया हुआ है कि एफ डैश एक्स बराबर जो है वो एफ एक्स है। फॉर ऑल एक्स सपोज दैट एफ एल्फा एक्स एंड एफ बीटा एक्स आर टू नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो ये है, सेटिस्फाइंग जो कंडीशन है वो एफ एल्फा एक्स एफ बीटा एक्स इक्वल टू एफ टू एक्स एंड एफ एल्फा एक्स डॉट एफ माइनस बीटा एक्स बराबर एफ एक्स, देन द वैल्यू ऑफ पी एच। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको। एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास ये हो गया एफ डैश एक्स अपॉन, या इसको हम लिख लें डी ऑफ और डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर एफ एक्स, या यहाँ से हो गया वन डी ओवर एफ एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू डी एक्स, या ये हो गया लॉग एफ एक्स बराबर हो गया एक्स प्लस टी। तो ये हो गया एफ एक्स बराबर हो गया हमारे पास e की पावर t प्लस सी, या इसको लिख सकते हैं a e की पावर t, यानी a जहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट है। फ्रेंड्स, हमारे पास फ्रेंड्स ये e x प्लस सी है, ये तो e a e की पावर x। अब फ्रेंड्स एफ एक्स बराबर हमारे पास आ गया है, वो आ गया a e की पावर x। तो अब हमारे पास f एल्फा x क्या हो जाएगा, ए ई की पावर एल्फा एक्स, और एफ बीटा एक्स क्या हो जाएगा, ए ई की पावर बीटा एक्स। और दिया हुआ है हमारे पास कि एफ एल्फा एक्स डॉट एफ बीटा एक्स, एफ एल्फा एक्स डॉट एफ बीटा एक्स बराबर एफ टू है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये हो गया हमारे पास एफ एल्फा एक्स, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ई की पावर एल्फा प्लस बीटा एक्स बराबर ई की पावर टू एक्स, और ये हो जाएगा क्योंकि एफ टू एक्स है तो यहाँ पे ये रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे पास कंपैरिजन से जो बनते हैं हमारे पास कंडीशन, एक तो ए की वैल्यू आ सकती है प्लस माइनस वन, ये एक एज ए कॉन्स्टेंट के रूप में आ जाएगा, इसको हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना। उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू जो बनती है वो बनती है एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन, ये हो गया हमारे पास। सेकंड हमारे पास क्या है, एफ एल्फा एक्स, सेकंड कंडीशन क्या थी, एफ एल्फा एक्स माइनस एफ डॉट सॉरी एफ एल्फा एक्स डॉट एफ माइनस बीटा एक्स, एफ माइनस बीटा एक्स बराबर एफ एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर ई की पावर एल्फा माइनस बीटा एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स ए। तो यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन बन जाएगी, वो हो जाएगी एल्फा माइनस बीटा बराबर वन। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे टू था, क्योंकि टू था तो ये हो गया हमारे पास। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा टू एल्फा बराबर थ्री, यानी कि एल्फा बराबर आ जाएगा थ्री बाई टू। तो यहाँ से बीटा बराबर आ जाएगा वन बाई टू, तो एल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास थ्री बाई टू एंड वन बाई टू। तो फ्रेंड्स, इसके जो जनरल सॉल्यूशन होंगे वो हो गए हमारे पास एफ एल्फा एक्स बराबर क्या था, वो था ए ई की पावर एल्फा एक्स, यानी कि ए ई की पावर थ्री बाई टू एक्स, और एफ बीटा एक्स क्या था, ए ई की पावर बीटा एक्स बराबर ये हो जाएगा ए ई की पावर वन बाई टू एक्स। अब फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है हमारे पास कि ये जो सॉल्यूशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन है, तो ये जो सॉल्यूशन होंगे इस जनरल सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हमने पुट किया, तो एक तो ले लिया हमने वाई बराबर, एक सॉल्यूशन ले लिया वाई वन बराबर ए ई की पावर थ्री बाई टू एक्स। तो हमारे पास यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास ए थ्री बाई टू ई की पावर एक्स, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वो आ जाएगा ए
ये 9/4 ई की पावर 3/2 एक्स, ये भी 3/2 एक्स है। तो ये हो गया हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, सभी वैल्यू आ चुकी है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा डी वाई डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वैल्यू क्या है ये थी। तो हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे 4 9/4 ई की पावर 3/2 एक्स माइनस पी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 और ये हो गया ई की पावर 3/2 एक्स प्लस 3 और वाई की वैल्यू है ई की पावर 3/2 एक्स। तो यहाँ से हमारे पास फ्रेंड्स 4 से 4 कट जाएगा तो ये हो गया 9 ई की पावर 3/2 एक्स माइनस पी 3p/2 ई की पावर 3/2 एक्स प्लस 3। फ्रेंड्स ए भी है यहाँ पे, सभी जगह ए है तो ए का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और ये हो गया हमारे पास 3 ae की पावर 3/2 एक्स, ये यहाँ पर भी है, ये साथ में ही चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो ए कॉन्स्टेंट है हमारे पास, तो ए को हम कॉमन ले सकते हैं और ई की पावर 3/2 को कॉमन ले सकते हैं। ए को कॉमन ले लिया, ई की पावर 3/2 एक्स को कॉमन ले लिया हमने। तो हमारे पास अंदर जो बचा वो बचा हमारे पास 9 माइनस पी, क्योंकि ये कॉमन आ गया 3/2 एक्स, ये 3/2 कॉमन आ गया तो ये 3p/2 और ये आ गया हमारे पास प्लस 3। अब फ्रेंड्स ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये कंडीशन कभी जीरो होती नहीं है और ये एज ए कॉन्स्टेंट है, हमने क्योंकि नॉन जीरो कॉन्स्टेंट लिया है। तो ये हो गया हमारे पास 12 माइनस 3p/2 इक्वल टू 0, या यहाँ से कर सकते हैं हम 3p=24 या p=, अपने पास आ गया 8, इसका ये आंसर हो गया। p=वैल्यू है वो 8, इसका आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स।